हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर शिंदु की एक वीडियो डालने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से इससे प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ी सी सेटिंग है। जैसे कि ये आप हमारा देख रहे हैं कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप, और इसमें हमें चलाने के लिए सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अपनी शिंदु मशीन के साथ मिलती है। ये देखिए शिंदु N210 MF सीरीज, इसकी हमें ज़रूरत है। जब हम इसे ड्राइव को चला लेंगे, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमने सब कुछ सेलेक्ट कर इसके बाद हमें एक इस तरह का ऐप मिलेगा। ये वाला ऐप हमें मिलेगा। इसको जब हम खोलेंगे इसमें हमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगाएगा पहले खुलने खुलने में। देखिए शिंदु की सभी टाइप्स की मशीन आ गई है, और ये रहा खुल के इसका मेन फोल्डर। और इसको चलाने के लिए हमें सिर्फ इसकी नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ ये वाली वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मुंह कुछ ऐसा है। ये वायर आपको नियर कंप्यूटर वाली शॉप्स में मिल जाएगा, जो एक्सेसरी वगैरह रखते हैं उसके पास ये वायर मिल जाएगा। तो कई भी मशीनों के साथ भी ये वायर भी आती है, पर हमें इसके साथ ही मिली थी। ये आपको नहीं मिली तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसको हमें आपको इसको जोड़ना है। आपको पहले तो इस वाले पॉइंट को मशीन में जोड़ना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये जोड़ना है। तो ये वाला पॉइंट हमको मशीन के इधर वाली साइड पर जो दिख रहे ये वाले पॉइंट, इनमें से नीचे वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, उसमें डालना है ये कुछ इस तरीके से अच्छे से फिट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये वायर को उसमें फिट कर दिया, और इसको हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें उसमें फिट कर देना है। जैसे कि और आप देखिए कैसे हमने सभी दोनों टाइप्स में फिट कर दिए। इसे हमने USB से कनेक्ट कर दिया, और इस मशीन को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। अभी इसके ऐप में जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन सेलेक्ट सोर्स स्कैन टू फोल्डर स्कैन, हमने यहाँ पे स्कैन को किया। जब हम इस ये वाला फोल्डर खुल जाता है तो हमें 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। जैसे कि नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल, फोटो, डॉक्यूमेंट, इसमें से हमें जो सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस प्रिंटर के स्कैनर में जो हम डाल देते हैं, इस प्रिंटर के स्कैनर में कोई भी पेपर डाल दिया हमने, और उसको स्कैन करके लैपटॉप में डालना है, लैपटॉप पर या कंप्यूटर में, और उसको एडिट करना है। उसको करने के लिए जैसे कि ये नॉर्मल पर है अभी, नहीं अभी हमने फ़ोटो पे सेलेक्ट किया है, कलर पर, डॉक्यूमेंट, और नीचे जाके हमने कौन से पेपर को स्कैन करना है, A4 को हमने सेलेक्ट किया है, जिसे A4 सेलेक्ट करेगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे पोर्ट्रेट पे लगा हुआ है, पोर्ट्रेट मतलब आप समझ सकते हैं। A4 सेलेक्ट किया, और ये आप बुक देख रहे हैं, नोटबुक का हम अभी स्कैनर में रखेंगे। स्कैनर में जब इसको स्कैन करेंगे तब जहाँ पे स्कैन का है ऑप्शन, इसको जब स्कैन पर करेंगे तो ये कॉपी के ऊपर ना स्कैन हो जाएगा। चलो नेटवर्क, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस पर स्कैनर पर रख दिया है। इसको कर देते हैं बंद, और हम अभी कुछ नहीं करेंगे इस पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे हमने अभी किया स्कैन पर, ये होगी स्टार्ट स्कैनिंग। आपको शायद आवाज आई हो, पर हमारे पास वो कॉपी स्कैन की ऑप्शन आ गई है। देखो हमने ये आपको जो मैंने आपको कॉपी दिखाई थी, देखिए वो स्कैन हो गई है। कुछ इस तरह देखिए आप कॉपी को, हमने पोर्ट्रेट पे लगाई हुई थी इसलिए जैसे ऐसे लगाई। हमने जो स्कैनर पर दूसरी टाइप लगाया होता तो दूसरी टाइप आना।
इसे कहते हैं स्कैनर, और हम आपको अभी प्रिंट निकालना सिखाएंगे अगली वीडियो में। इस आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत, अगली वीडियो जरूर देखिए, और मेरे चैनल को जो आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जरूर दिखाऊंगा। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे प्रिंट निकालते हैं। थैंक यू।